गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी को पता है कि लॉकडाउन के चलते विद्यालय आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। ऐसे में आपकी पढ़ाई बाधित न हो, विशेषकर नौवीं दसवीं जैसी सीनियर कक्षाओं की, इसलिए हम निरंतर आपको नोट्स और वीडियोस के माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसी कड़ी में आज कक्षा दसवीं के लिए गणित विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर रियल नंबर्स, जैसा कि हम छठी सातवीं आठवीं यानी मिडिल कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, विद नंबर्स संख्याओं को जाने ऐसे कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका पहला चैप्टर है दसवीं कक्षा में। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, पूरे विस्तार से इसको पढ़ना आरंभ करेंगे। रियल नंबर्स इसको शुरू करने से पहले यहां से शुरू करते हैं, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं हमने पढ़ी होगी। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? जो एक से शुरू हो जाती है, 1, 2, 3 अप टू n लास्ट तक, जिसका हमें कुछ पता ना हो, यानी एक से लेकर के एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक चली जाती है, वो प्राकृतिक संख्या होती है। बड़े n से कैपिटल n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैपिटल n अगर सेट में लिखना हो तो 1, 2, 3, 4 अप टू n ये चलता जाएगा। और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1, अगर इसमें 0 ऐड कर दें, 0 से शुरू कर दें तो होल नंबर्स बन जाते हैं, W, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी 0, 1, 2, 3 अप टू एंड। 0 और नेचुरल नंबर दोनों मिलकर के होल नंबर बना देते हैं, पूर्ण संख्याएं जिसे कहा जाता है। अब पूर्ण संख्याएं फ्रैक्शन नहीं होती, पूरे नंबर होते हैं, 1, 2, 3 नोट 1/2, 3/4 होल नंबर्स। अगर इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें, नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दें, जैसे ये 2, 3, 4 है, वो -2, -3, -4 भी ऐड कर दें, तो दीज आर इंटीजर्स रिप्रेजेंट बाय जेड, जेड से लिखा जाता है, ये होते हैं इंटीजर्स, -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू एन और अप टू -n, दीज आर इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स मिलकर के इंटीजर बनाते हैं, पूरे नंबर होते हैं, फ्रैक्शन नहीं होते, बटा में नहीं लिखा जा सकता, इसको दो संख्याओं के भाग के रूप में नहीं होने चाहिए, जैसे 2/3, 3/4 ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे नंबर्स होने चाहिए, 2, 3, 1, -2, -4 दीज आर इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स हैं, यूजुअली जेड से या कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर्स के साथ अगर फ्रैक्शन भी मिल जाए, इंटीजर्स 1, 2, 3 अगर फ्रैक्शन भी मिल जाए, 2/3, 3/4, 6/7 इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों मिलकर के रेशनल नंबर बना देते हैं। रेशनल नंबर्स आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पी एफ ऑन क्यू, यानी ऐसी संख्याएं जिनको दो संख्याओं के भाग के रूप में लिखा जा सकता है, वो रेशनल नंबर्स होती है, पी एफ ऑन क्यू, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। जिन संख्याओं को दो संख्याओं के भाग के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स क्या लिखा जाता है, 2/3, 3/4 बस कंडीशन ये है कि जो क्या हुआ है वो 0 नहीं होना चाहिए, और हर एक नंबर फ्रैक्शन है, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो होल नंबर है, चाहे वो नेचुरल नंबर है, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। और उसके बाद रूट की जो संख्याएं हैं, जैसे √25, √16 यानी जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो रूट भी रेशनल नंबर्स होते हैं। अब बात करें इरेशनल नंबर्स की, तो जो संख्याएं रेशनल नहीं होती, जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, 24, 28, 34 जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, वो होती है इरेशनल नंबर्स। रेशनल और इरेशनल्स दोनों कंबाइन होकर के रियल नंबर बना देती है। तो रियल नंबर्स एक बहुत बड़ा पार्ट है नंबर्स का, प्लेइंग विद नंबर्स, नॉन विद नंबर्स, संख्याओं को जाने ऐसे चैप्टरों में रियल नंबर्स एक बड़ा सा पार्ट है। उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में हमारी फ्रैक्शंस और इंटीजर्स दोनों होते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स में 0 और नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, अगर 0 इंक्लूड कर दें तो होल नंबर बन जाता है।
इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक सर्कल है तो सबसे बड़ा सर्कल जो है वो रियल नंबर्स का होगा, इसके अंदर वाले सारे रियल होंगे, इसमें इरेशनल भी होंगे और रेशनल भी होंगे। अगर रेशनल नंबर है तो उसमें इंटीजर भी होंगे और इंटीजर में होल नंबर्स होंगे और होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स होंगे। लेकिन सबसे बड़ा फील्ड अगर देखा जाए तो रियल नंबर तो होगा, जिसमें रेशनल है, रेशनल में इंटीजर है, इंटीजर में नेचुरल और नेचुरल में होल नंबर्स है। तो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे और सारे नेचुरल इंटीजर होंगे और सारे इंटीजर रेशनल नंबर होंगे और रेशनल और इरेशनल मिल करके रियल नंबर बना देंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रियल नंबर्स। इसके बाद इसमें अलजेब्रिक यानी गणितीय ऑपरेशंस लगाए जाएंगे, जोड़ है घटा है इनको भाग करना है, किस तरह से दो संख्याओं का एचसीएफ हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, वो आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे।